मैं हम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से केसरी के कलेक्शंस के बारे में, वो भी 19 डेज के। चलिए बिना देरी करे आपको कलेक्शन से रूबरू करवाता हूँ। थोड़ा सा मगज में याद क्या कर लिया हूँ, शायद याद होगा तो चलिए बताता हूँ। पहले वीक में इस फिल्म ने जो कमाई की थी 105.86 करोड़ की थी, यानी कि लगभग 106 करोड़ के आसपास, जो बहुत ही अच्छी कमाई थी। और पहला हफ्ता 8 दिनों का था क्योंकि फिल्म गुरुवार को रिलीज हुई थी, तो फर्स्ट एक्सटेंडेड वीक उसे कहा जाएगा, ठीक है। अब दूसरे वीक में कलेक्शंस और बहुत ज्यादा बेहतर तो नहीं हुआ, कलेक्शंस ड्रॉप हुआ। उसके कई सारे रीजन्स, आईपीएल मैचेस है, बहुत से और रीजन्स है। स्टिल इस फिल्म ने 29.66 करोड़ तक का कलेक्शन किया, 2.966 करोड़, यानी कि लगभग 30 करोड़ के आसपास, थोड़ा सा कम, ठीक है। अब तीसरा जो वीकेंड रहा, तीसरा वीकेंड इस फिल्म ने 7.50 करोड़ की कमाई की, यानी सेकंड फ्राइडे से लेकर संडे तक। थोड़ा सा इसे और डिस्क्लोज करूं, यानी कि ब्रेकडाउन करके बताओ तो थर्ड फ्राइडे को इस फिल्म ने जो कमाई की थी 1.65 करोड़ की थी, और थर्ड सैटरडे को इस फिल्म ने जो कमाई की थी वो 2.62 करोड़ की थी, यानी कि 2.62 करोड़, और थर्ड संडे को इस फिल्म ने जो कमाई की थी 3.23 करोड़ की थी, 3.23 करोड़। और जो मंडे की अर्निंग आई है वो प्रॉपर 1 करोड़ आई है। जी हाँ, पहले तो बता दो 18 दिन यानी कि थर्ड वीक के संडे तक का कलेक्शंस कितना था, 143.02 करोड़, यानी कि 143.02 करोड़। और मंडे का जोड़ने के बाद, यानी कि इसका 19th डे जोड़ने के बाद, इसका कलेक्शंस जाकर पहुंचा है 144.02 करोड़, यानी कि ये सिर्फ 6 करोड़ दूर है अपने 150 करोड़ का आंकड़ा पार करने से, और इस फिल्म को अब कोई भी 150 करोड़ छूने से नहीं रोक सकता है, इतना तो मेरा मानना है। कितने खुश इस कलेक्शन को जानकर जरूर बताइए। और लॉजिकली मेरे पास सब आई थिंक माइंड में याद था प्रॉपर तरह से, तो आई थिंक इसलिए मैंने आपको बता पाया। एनीवेज, आप कलेक्शन से कितने खुश जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, खिलाड़ी भैया इस बार 150 करोड़ के ऊपर ही जाएंगे, और जो हेटर्स थे वो फिलहाल अपने मुंह जिप करके बैठे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार तो भैया खिलाड़ी भैया ने 150 करोड़ के ऊपर तक की बाजी मार ही ली है। चलिए फिर कहते हैं।